सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एंड क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड के आईपीओस का क्रे मार्केट में आज यानी कि 22 मार्च 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आईपीओ की। तो देखिए आईपीओ 15 से 17 मार्च के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो करीब 129 से 130 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी कि 130 रुपए में आपको एक शेयर मिलने वाला है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 115 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% शेयर यहां पर भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहां पर 60 से 65 रुपए आज के दिन प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी कि 130 रुपए में आप एक शेयर खरीदेंगे 65 रुपए का प्रीमियम, यानी कि करीब 195 रुपए के आसपास ये आईपीओ आपको लिस्टिंग के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम भी आपको 120 रुपए के आसपास था और ये जो लिस्टिंग के संकेत दे रहा था करीब 250 रुपए के आसपास देता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको काफी ज्यादा घटता हुआ नजर आ रहा है, करीब 1/2 के आसपास पहुंच गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लिस्टिंग प्राइस था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये आईपीओ भी काफ़ी तगड़ा आईपीओ था और इसमें भी डबल होने के पूरे पूरे चांसेस थे, लेकिन मार्केट में प्रेशर के कारण इसका भी बुरा हाल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर भी चिंता नहीं करनी है क्योंकि देखिए कंपनीज अच्छी हैं, तो अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपका पूरा पैसा वसूल होता हुआ नज़र आएगा। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वो है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड का आईपीओ। देखिए आईपीओ भी 15 से 17 मार्च के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। प्राइस बैंड की बात करें तो 1488 से 1490 इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 1490 रुपए में आपको एक शेयर मिलने वाला है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 10 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो यहां पर भी आपको 35% का रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। अब ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर इसका देखें तो इसका प्रीमियम करीब 37 से 42 रुपए के आसपास चल रहा है। देखिए कोई मतलब नहीं है 1490 रुपए का शेयर है, 42 रुपए आपको प्रीमियम देंगे तो करीब 2 रुपए यहां पर 3 और यहां पर 5 और यहां पर करीब 1532 यानी 1532 रुपए के आसपास लिस्टिंग के संकेत ये आपको देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 10 शेयर्स का लॉट है तो अगर इसके प्रीमियम 10 का मल्टीप्लाई भी करें तो 420 होता है, यानी कि 420 रुपए का आपको एक लॉट पर प्रीमियम देखने को मिलेगा। हालांकि जिसने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा उसको अलॉटमेंट में काफी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। तो देखिए 420 का प्रीमियम है, अगर ऐसे वैसे ब्रोकर में आपने अकाउंट खुला रखा है तो इतना तो आपका ब्रोकरेज ही लग जाएगा। तो देखिए यहां आपको थोड़ी सी चिंता की जरूरत है क्योंकि आपको बोला गया था शुरू से ही कि इस आईपीओ में रिस्की ट्रेडरों को ही अप्लाई करना है, जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं जानते, जिसको लिस्टिंग गेन ही चाहिए उनको इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो भाई जिसने भी इसमें अप्लाई किया है अपना कुछ सोच के ही किया होगा। तो देखिए ये प्रीमियम थे, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।